वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर सेकेंड लेक्चर थर्ड। आज हम करने जा रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। कहने का मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे जी ले लिया कोई, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई जी ले लिया यहाँ पे, जैसे वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। इसका एच हमें पता है एक सब ग्रुप होता है वन और माइनस वन, ये ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, एक्स जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट के साथ इस तरीके से बाइनरी ऑपरेट करना है और फिर देखना है कि वो एच में जा रहे हैं या एच से बाहर जा रहे हैं। तो अगर एच में जा रहे हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा हमारा। ये आपको आगे समझ आ जाएगा किस तरीके से। ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी होती है इसकी, वो किस तरीके से है? देखो, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एच एक्स एंड एक्स एच आर रिस्पेक्टिवली द राइट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये तो हमें पता है कि जी अगर ग्रुप है, एच अगर सब ग्रुप है, तो अगर मैंने जी का एलिमेंट ले लिया है कोई, एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया है, अगर मैंने उसे राइट साइड ऑपरेट किया तो मुझे राइट कोसेट मिलेगा और लेफ्ट साइड ऑपरेट किया है तो लेफ्ट कोसेट मिलेगा मुझे। तो ये कह रहा है कि यदि मेरा जी अबिलियन होता है, अभी हमने किया है कि जी अगर मेरा अबिलियन है तो जो राइट कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जी के सभी एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट, कि यदि हमारे पास जी नॉन अबिलियन है और फिर भी मेरे पास राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट हो जाए किसी सब ग्रुप एच के लिए, तो वो सब ग्रुप एच क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा इस ग्रुप का। तो अभी हमने ये एग्जांपल लिया था ऊपर, ये ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है, तो अबिलियन तो हुआ ही हुआ, तो इसके सब ग्रुप तो सारे के सारे नॉर्मल होंगे ही होंगे। तो अब जो हम निकाला करेंगे ना कि ये हमारा सब नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, वो हम सेकंड डेफिनेशन से निकाला करेंगे कि हम क्या किया करेंगे, कोई एलिमेंट यहाँ पे उठाया करेंगे, उसे एच के साथ देखेंगे क्या राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज है। पहला तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो ये जो सिंबल है हमारे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्जाम्स में सिंबल दे दिया जाता है और आपको बताया नहीं जाएगा कि ये नॉर्मल सब ग्रुप का है क्या। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये सिंबल किसका है। दूसरा हमारे पास कि ई एंड जी ऑलवेज इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के। जैसे ई और जी मतलब आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ, जैसे ऑलवेज इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वैसे ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है सिंपल ग्रुप की, कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, कि इफ अ ग्रुप जी हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, कि कोई भी ग्रुप है जी उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। साफ साफ कहने का मतलब कि जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो या तो आइडेंटिटी होगा या जी होगा, मतलब सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उसके पास, एक तो आइडेंटिटी और एक जी, क्योंकि ये तो नेसेसरी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं। इनके अलावा अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रुप बोलेंगे। तो देखो, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज सिंपल ग्रुप, की हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप सिंपल ग्रुप होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइम ऑर्डर ग्रुप के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं होते। प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहां से मिलेंगे, तो इसे प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज सिंपल ग्रुप होगा। एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज नॉट सिंपल, कि हर जो ग्रुप होगा ना कंपोजिट ऑर्डर का वो कभी भी सिंपल नहीं होगा, उसके पास एक ना एक नॉर्मल सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था ऊपर, जी इज इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा एंड एच इज इक्वल टू वन माइनस वन। अब इसे हम दोनों डेफिनेशन से देखना चाहते हैं। तो डेफिनेशन दोनों तो क्या ही है हमारे पास, कि सिंपल आपको इसका क्या करना है, एच के साथ एक्स ऑपरेट करना है, राइट हैंड साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड करना है। मुझे पता है कि ये क्या है, अबिलियन ग्रुप है, तो कंप्यूट करेंगे आपस में तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, राइट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। अब जो एक्स एच एक्स इनवर्स वाली बात है, तो अब हमें देखना है कि क्या वो एच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने वन लिया,
वन और एच को एच के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, पहले वन ले लिया और वन का इनवर्स क्या है वन, तो वन आया जो कि एच के अंदर है। फिर मैंने एक्स ले लिया माइनस वन, एच के दोनों एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके देख लिया, यहाँ पे वन, यहाँ पे जो माइनस वन है उसका इनवर्स माइनस वन है, तो आपको वन मिला जो कि इसमें जाएगा एच में। अब मैंने आयोटा ले लिया जी से, तो आयोटा वन इंटू आयोटा का इनवर्स कौन है माइनस आयोटा, मतलब आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, तो आयोटा माइनस आयोटा वन बन जाएगा जो किस में जा रहा है एच में। अब मैंने माइनस आयोटा ले लिया इंटू मैंने माइनस वन किया और इसका इनवर्स आयोटा है, तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर माइनस वन आया जो कि किस में जा रहा है एच में। कि मैंने एक्स एच एक्स इनवर्स किया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए सारे एच में चले गए, तो मेरा जी क्या एच कैसा हो गया नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अबिलियन वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे कि जो अबिलियन ग्रुप होते हैं उसके हर एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, जो कि हमारी ये नेक्स्ट थ्योरम भी है। तो हम फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल, कि अबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होगा नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, लेट जी बी आ अबिलियन सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप जी बी आ अबिलियन ग्रुप, जी मेरा एक अबिलियन ग्रुप है, एंड एच बी आ अबिलियन सब ग्रुप, एच मेरा क्या हो गया अबिलियन सब ग्रुप हो गया, किसका अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। ये दोनों चीज हो गई मेरे पास, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, कि एक्स तो आ रहा है जी से और एच आ रहा है एच से, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, एनी आर्बिट्री एलिमेंट, कि ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं एक्स और एच के। अब हमें पता है एज एच बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज एच जी का भी है, बिकॉज एच सब ग्रुप है तो एच सबसेट हुआ किसका जी का, एंड एक्स बिलोंग्स टू जी और एच जी क्या है ग्रुप है, ग्रुप है तो उसमें इसका इनवर्स होना भी जरूरी है, एलिमेंट है तो उसका इनवर्स तो होगा ही होगा। अब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स इनवर्स एच किस में जाएगा जी में, क्योंकि जी क्या है ग्रुप, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों एलिमेंट किस में जाने चाहिए जी में जाने चाहिए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं देखते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स एच में जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमने किया एक्स एच एक्स इनवर्स एच में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स ब्रैकेट हमने लगाया। अब हमें पता है कि जी क्या है अबिलियन, जी इज अ अबिलियन ग्रुप, जी मेरा क्या है अबिलियन ग्रुप है, तो ये एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा एक्स इनवर्स एच के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ एक्स एक्स इनवर्स एच। अब मैं ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकती हूँ क्योंकि तीनों एलिमेंट ग्रुप के हैं और ग्रुप कैसे प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एसोसिएटिविटी को, तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स इंटू एच, और एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी, तो ये क्या आ गया एच, और एच किस में बिलोंग कर रहा था एच में, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में चला गया एच में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो हमारे पास एच कैसा हो गया एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच कैसा हो गया नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। और यही हमें क्या प्रूव करना था कि अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे नॉर्मल होंगे, तो अगर अबिलियन के हैं तो साइक्लिक के भी होंगे, तो यहाँ पे नोट लिख लो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हमें ये तो पता ही था फर्स्ट चैप्टर में ही हमने किया था कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है अबिलियन होता है, देयरफॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, कि हर सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप का वो कैसा होगा नॉर्मल होगा। आपको यही थ्योरम, अगर मान लो थ्योरम थोड़ा घुमा फिरा के आता है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज अ नॉर्मल सब, मतलब हर एवरी सब ग्रुप ऑफ एन साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, तो आपको क्या करना है यही थ्योरम एज इट इज लिख देनी है, क्योंकि आपको बताना है कि साइक्लिक होता है वो अबिलियन होता है, और अबिलियन के लिए हमने ये थ्योरम प्रूव किया है, तो आप एज इट इज ये थ्योरम कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, तो थ्योरम सेकेंड हमें क्या कहती है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी है उसका सब ग्रुप एच दे रखा है,
इज नॉर्मल। अब वो नॉर्मल की, अब हम नई नई कंडीशंस पढ़ेंगे नॉर्मल की, कैसे कैसे कंडीशंस होती है नॉर्मल की। जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ऑल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ी, तो हम बहुत सारे तरीके देखेंगे नॉर्मल प्रूव करने के। तो सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमने नया तरीका भी एक और देखो, इस थ्योरम से हमें मिल जाएगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स अगर एच के इक्वल आता है तो हम बोल दिया करेंगे कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने किया है लेट एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। हम ये मान के चले हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। और मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब देखो एक्स एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट किस तरीके के होंगे, कि एक्स एच एक्स इनवर्स के जो एलिमेंट है वो किस में जाएंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर जाएंगे, इस तरीके के एलिमेंट होंगे इसके। और ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में चला गया, एच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। तो मेरे पास क्या हो गया, हेंस एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो एच कैसा सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, किसका, जी का। तो मुझे कन्वर्स करना है, कन्वर्स में मेरे को क्या दे रखा है, कन्वर्सली प्रूव करना है मुझे क्या दे रखा है, लेट एच बी आ नॉर्मल सब ग्रुप। एच कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, जी का। मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो देखो जब भी हमें कोई दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना होता है, एक दूसरे के अंदर कंटेन करवाना होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, लेट एच बी आ नॉर्मल सब ग्रुप। एच कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स सारे के सारे किस में जाएंगे, एच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। ये हमें पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसा होगा ही होगा। ऑल्सो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में जाएंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स में, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके जैसे ही होंगे। वेयर एक्स एच एक्स इनवर्स किसको कंटेन करता है, एक्स एच एक्स इनवर्स को, सच दैट एच कहाँ से आ रहे हैं, एच से। एक्चुअल में एलिमेंट किसके हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स के, पर एच हमारे पास नॉर्मल था तो किस में जाने चाहिए थे, एच में थे, इसके चले किस में गए, एच में। तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसका सबसेट हो गया, एच का सबसेट हो गया। तो इसे मैं इक्वेशन वन का नाम दे देती हूँ। अब मुझे उल्टा प्रूव करना है कि हमारे पास एच किसका सबसेट हो जाए, एक्स एच एक्स इनवर्स का सबसेट हो जाए। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, इतना तो हमें पता है। देयर फोर एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। तो अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी जी के अंदर होगा ही होगा, एंड एच बिलोंग्स टू एच। अब हमें पता है कि एच कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप में एक्स की जगह मैं अगर एक्स इनवर्स रखू, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ही करेगा। एलिमेंट किसका होना चाहिए, जी का। तो चाहे वो एक्स हो चाहे वो एक्स इनवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स इनवर्स से। तो एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स ऑफ इनवर्स किस में जाना चाहिए, एच में जाना चाहिए। यहां से क्या आ गया, एक्स इनवर्स एच एक्स किस में चला गया, एच में चला गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स इनवर्स एच एक्स किस में जा रखा है, एच में। अब मैं बोथ साइड प्री तो लगा दू एक्स को, एक्स इनवर्स एच, पोस्ट लगा दे हम एक्स इनवर्स को, तो ये किस में जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स में जाएगा। अब एक्स इंटू एक्स इनवर्स एच, एक्स इंटू एक्स इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स में। अब ये क्या हो गया, ई एच ई किस में है, एक्स एच इनवर्स, एक्स मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स में। तो एच किस में चला गया, एक्स एच एक्स इनवर्स में, और था किसका एलिमेंट, एच का एलिमेंट था। तो मैंने इस इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया। मतलब यहां से क्या हुआ कि एक्स एच जो एलिमेंट था वो एच का थर्ड चला गया एक्स एच एक्स इनवर्स में, तो एच किसका सबसेट हो गया, एक्स एच एक्स इनवर्स का हो गया। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एच इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स।
तो हमारे पास एक और तरीका आ गया है नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का। तो धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं, हमें बहुत आसान तरीके मिलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, वो भी एक नया तरीका है नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का। थ्योरम थर्ड क्या कहती है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ जी, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल, यहां देखो फिर से नॉर्मल के लिए आ गई, इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट। ये क्या कह रहा है, ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट, इस इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। वही जो हमने ऑल्टरनेट डेफिनेशन की थी उसे हम एज अ थ्योरम अब प्रूव करने जा रहे हैं कि नॉर्मल है तो राइट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा, अगर राइट लेफ्ट के इक्वल है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं, लेट एच बी आर नॉर्मल सब ग्रुप, एच बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अभी अभी करके आए हैं अभी, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बोथ साइड एक्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स की, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इसको हमने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी एक्स आ गया, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एच एक्स, तो एक्स एच इज इक्वल टू एक्स एच, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यही प्रूव करना था कि यदि नॉर्मल है तो लेफ्ट किसके इक्वल हो जाएगा, राइट के। अब हम उल्टा लेके चलते हैं कि राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि एच कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब हम कन्वर्स प्रूव करते हैं इसका। कन्वर्सली हमारे पास क्या है, सपोज हमने सपोज कर दिया कि दैट ईच लेफ्ट कोसेट, ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट, इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, हम ये मान के चलिए। तो हमने लेट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एक्स एच इज इक्वल टू एच वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू जी, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू जी। हम ये लेके चले हैं कि जो मेरा एक्स एच से कोई लेफ्ट कोसेट बनता है वो एच वाई कोई राइट कोसेट के इक्वल है, पर हमारा पहला मेन मोटिव क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स के इक्वल होगा, कि जो एक्स से राइट लेफ्ट कोसेट बनता है वो एक्स से राइट कोसेट के इक्वल होगा, कि जो लेफ्ट कोसेट एक्स से जनरेट हो रहा है वही राइट कोसेट एक्स से जनरेट होने वाले के इक्वल होगा। तो फर्स्ट मोटिव तो मेरा क्या है, एक्स एच को एच एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो मुझे पता है कि ये पहला तो मतलब एच एस तो इक्वल होगा, कि देखो मुझे पता है सिंस एच मुझे क्या दे रखा है सब ग्रुप, तो आइडेंटिटी तो सब ग्रुप के अंदर होती ही होती है, तो एक्स डॉट ई किसके अंदर होगा, एक्स एच के अंदर होगा, तो एक्स किस में चला गया एक्स एच में, और एक्स एच किसके इक्वल दिया हुआ था एच वाई के, तो एक्स किस में चला गया एच वाई में चला गया। अब हमें पता है ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी एच एक्स इज अ राइट कोसेट, ये कैसा है राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, तो राइट अगर ये कोसेट है तो ई एक्स किसके अंदर होना चाहिए एच एक्स के अंदर होना चाहिए, एक्स किसके अंदर चला गया एच एक्स के अंदर चला गया, एंड एक्स किसके अंदर है एच वाई के अंदर भी है। हमें पता है कि एक्स एच के एच एक्स के अंदर भी है, एक्स एच वाई के अंदर है, तो एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। अब हमें पता है कि दो राइट कोसेट आइदर तो आइडेंटिकल होंगे या आइदर डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट तो ये है नहीं क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन एलिमेंट है एक्स, तो इट मींस ये दोनों क्या हो गए आइडेंटिकल, सो एक्स एच इज इक्वल टू एच वाई, और एक्स एच वाई किसके इक्वल था एच एक्स एच के इक्वल था, तो यहां से क्या हुआ एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स के इक्वल आ गया। अब हमने प्री और पोस्ट मल्टी मतलब यहाँ पे एक्स इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, एच एक्स एस इनवर्स इज इक्वल टू एच एक्स इनवर्स, तो किसके इक्वल आ गया एच के इक्वल आ गया, तो एक्स एच एक्स इनवर्स एच एक्स एक्स इनवर्स किसका सबसेट हो गया एच का सबसेट हो गया, इसका मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स के सारे एलिमेंट किसके अंदर चले गए एच के अंदर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और ये किसकी कंडीशन होती है नॉर्मल की कंडीशन होती है, सो एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी।
नेक्स्ट थ्योरम भी हमारी इसी तरीके की है कुछ एक. अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, वो हमें अनदर सॉल्यूशन देती है कि क्या और होगा, नॉर्मल होगा. तो थ्योरम फोर्थ क्या कहती है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ जी, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल, कि वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज, जो हमारे पास इज अगेन राइट कोसेट. मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है थ्योरम की, उसमें वैसे ऐसा है कि टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अगेन अ टू राइट अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी. तो ऑब्वियस है जब मैं राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट एच के लेके चल रही हूँ तो मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाह रही. हमें ये दिखाना है कि दो राइट कोसेट का मैंने प्रोडक्ट किया तो वो फिर से राइट कोसेट आएगा, तो एच मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. और यदि एच मेरा नॉर्मल है तो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा. तो सॉल्यूशन करते हैं अभी हम. मैंने लेट कर लिया, लेट एच बी आ नॉर्मल सब ग्रुप. एच मुझे क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, किसका, जी का. मैंने लेट कर लिया एच ए एंड एच बी टू राइट कोसेट है, टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, दो राइट कोसेट हो गया एच जी में. अब मुझे दिखाना है कि एच ए और एच बी का जो प्रोडक्ट है वो फिर से राइट कोसेट बनेगा. तो एच ए इज इक्वल टू एच बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे हम है चेंज कर सकते हैं. मतलब एच जो मेरे पास ये एच ए है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एच बी है. तो इसको मैं क्या करूं कि एच ए जो मेरा यहाँ पे, एच को एज इट इज रहने दो, ए एच और बी जो ब्रैकेट है वो हमने इंटरचेंज कर दी, क्योंकि मुझे एच क्या दे रखा था, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा था, और जी क्या है, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं. तो मैं क्या कर सकती हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप मुझे दे रखा है तो ए एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच ए लिख सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में राइट कोसेट किसके इक्वल हो जाता है, बिकॉज राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाता है. तो इसलिए मैं ए एच को एच ए लिख सकती हूँ. तो एच एच ए बी, और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, एच ए बी के इक्वल होता है. तो हमारे पास क्या आ गया, और वेयर ए बी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि एच ए एच बी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, एच ए बी के इक्वल. तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट हो गया हमारे पास. तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्स प्रूव करना है. तो कन्वर्स में हमारे पास क्या आता है, लेट एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स, ये भी राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, आर टू राइट कोसेट्स. मुझे पता है कि इनका प्रोडक्ट भी राइट कोसेट है. एच एक्स और एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो राइट कोसेट, ये भी क्या है, राइट कोसेट है. मुझे क्या दिखाना है कि एच क्या है, नॉर्मल है. तो एच नॉर्मल है तो मुझे एक्स एच एक्स इनवर्स किस में दिखाना है, एच में दिखाना है बाय टिपिकल डेफिनेशन. तो मुझे पता है कि ई किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है. ई एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच एक्स इनवर्स में, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स आएगा और वो ई चला जाएगा. इसे लिखने का तरीका कैसा है, इस तरीके से. तो एच एक्स और एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, इस तरीके से लिखे जाएंगे. तो ये अब हम अगर सॉल्व करूँ इसे, तो अगर जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये ई बन जाएगा और ये एच एक्स और एच एक्स इनवर्स में चला गया. अब देखो, एच जो होता है वो इट्सेल्फ अ राइट कोसेट होता है, इट्सेल्फ अ राइट कोसेट ऑफ जी. एच भी राइट कोसेट है और एच एक्स एच इनवर्स ऑल्सो राइट कोसेट ऑफ जी. तो E है वो कॉमन एलिमेंट हो गया. E किस में चला गया, H में भी चला गया और HX H इनवर्स में भी चला गया. तो जो दो कोसेट होते हैं वो आइदर आइडेंटिकल होते हैं या आइदर डिसजॉइंट होते हैं. तो ये डिसजॉइंट तो है नहीं, क्योंकि इनमें एक कॉमन एलिमेंट है आइडेंटिटी. तो ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए. आइडेंटिकल हो गए तो मतलब एक दूसरे के इक्वल हो गए. तो एच एक्स एच इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. तो इट मीन्स कि जो H के एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट है, जो इसके एलिमेंट है वो H के एलिमेंट है. तो हमारे पास क्या हो गया, H1X H X इनवर्स किस में चला गया,
एच में चला गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड एच वन एंड एच किसके हैं, एच के हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एलिमेंट एच से आएगा फिर एक्स होगा, फिर एलिमेंट एच से आएगा फिर एक्स इनवर्स होगा। तो यही हमने किया कि एच वन एच और कहाँ से आया, एच से आ रहा है, और एक्स कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है हमारे पास। तो हमने बोथ साइड क्या लगा दिया, एच वन इनवर्स लगा दिया, क्योंकि एच वन और एच कहाँ से आ रहा था, एच से, एच सब ग्रुप है तो एलिमेंट है तो उसके इनवर्स तो होंगे ही होंगे। तो एच वन इनवर्स एच वन, एक्स एच एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एच, जो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, क्योंकि कोसेट की फर्स्ट थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि अगर एच के साथ एच का ही एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो आपको फिर से एच ही मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ आइडेंटिटी, एक्स एच एक्स इनवर्स किस में चला गया, एच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हेंस एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां से हमारे पास एक अनदर डेफिनेशन आ गई है नॉर्मल सब ग्रुप की, कि यदि दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट फिर से राइट कोसेट आती है तो हमारे पास एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम करते हैं अगेन थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम फिफ्थ हमें क्या कहती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल, कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो फिर से नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट हमने क्या किया, एच एंड के दो नॉर्मल सब ग्रुप ले लिए, टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कोई भी ये दो नॉर्मल सब ग्रुप है किसके, जी के, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें करना क्या है, लेट टी को एलिमेंट लेके चलना है एच एक्स एच इंटरसेक्शन के से, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एक्स कहाँ से आ रहा है, जी से। टी अगर एच इंटरसेक्शन के में है तो टी एच में भी है, एंड टी किस में है, के में भी है, एच नॉर्मल है के भी नॉर्मल है, तो एक्स टी एक्स इनवर्स किस में जाएगा, एच में, एंड एक्स टी एक्स इनवर्स किस में जाएगा, के में, बिकॉज एच एंड के क्या है, बोथ नॉर्मल सब ग्रुप है, दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसके, जी के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि एच और के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप थे, टी इनके इंटरसेक्शन से आ रहा था, इंटरसेक्शन से आ रहा था तो मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट हुआ, दोनों के अंदर हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन अप्लाई की। अब अगर एक्स एक्स टी एक्स इनवर्स एच में भी है, एक्स टी एक्स इनवर्स के में भी है, तो एक्स टी एक्स इनवर्स किस में आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, कि एक्स इन एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आपके पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आपका होमवर्क है, वो मैं लिख देती हूँ, सेम एज इट इज इसी तरीके से होगी। वैसे हमने बहुत सारी थ्योरम की हुई है, इंटरसेक्शन ऑफ आर एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इज इट्सेल्फ अ नॉर्मल सब ग्रुप, इट्सेल्फ अ नॉर्मल सब ग्रुप, की दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल होता है। अब ये कह रहा है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपको बिल्कुल इजी आसान तरीके से होगी कि आपको एक आर्बिट्री इंटरसेक्शन कलेक्शन लेनी है, उसे कोई सेट मान लेना है और उस सेट को हमें नॉर्मल दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, थ्योरम जो नेक्स्ट है वो क्या कहती है हमारे पास, तो देखते हैं, इफ एम एंड एन आर टू नॉर्मल सब ग्रुप, एम एन एंड आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मान लो मुझे दो नॉर्मल सब ग्रुप्स दे रखे हैं किसके, जी के, सच दैट एम इंटरसेक्शन एन में सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन है, दो नॉर्मल सब ग्रुप है जिनमें आइडेंटिटी के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, देन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन एंड एम बिलोंग्स टू एम, शो दैट एन एम इज इक्वल टू एम एन। मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और वो दोनों सब ग्रुप ऐसे हैं कि जिनमें आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है,
तो हर एक एन का एलिमेंट और हर एक एम का एलिमेंट आपस में कम्यूट करेगा, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। लेट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि m बिलोंग्स टू m, m अगर m से आ रहा है तो m कहाँ से आएगा, g से भी आएगा, बिकॉज m सब ग्रुप है g का, तो m सबसेट भी हुआ g का। अब हमें क्या दे रखा है, एज n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, n मुझे क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है g का, देयर फोर एम इनवर्स एन एम कहाँ से आएगा, n से, फोर n बिलोंग्स टू m। देखो अब यहां से थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो कि h की जगह हमने किसको रखा, n को रखा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक्स एच, एक्स इनवर्स किस में आना चाहिए, h में, अगर h नॉर्मल होता है तो, और एक्स इनवर्स एच एक्स भी किस में जाएगा, h में, अगर h नॉर्मल है तो। हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एक्स इनवर्स को हमने रिप्लेस कर दिया m इनवर्स से, क्योंकि m हमने क्या, x की जगह हमने क्या लिया है, m लिया है जो कि g से आ रहा है, और h की जगह हमने क्या ले लिया, n, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है वो मेरे पास क्या है, n है। तो मेरे पास ये हो गया m इनवर्स n, m कहाँ पे गया, n में चला गया। अब मैं क्या करूं, बोथ साइड n इनवर्स लगा दूं, तो n इनवर्स m इनवर्स n m किस में होगा, n इनवर्स n में, n नॉर्मल सब ग्रुप है तो n अगर n में है तो n इनवर्स भी किस में होगा, n में होगा। और बाय कोसेट की डेफिनेशन सब ग्रुप इटसेल्फ क्या होता है, कोसेट होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर n इनवर्स n है और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सब भूल जाओ आप, वैसे भी n मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो n इनवर्स m इनवर्स n m किस में चला गया, n में चला गया। अगर यही एलिमेंट मैं m में भी पहुंचा दूं और m में आइडेंटिटी के अलावा कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, तो हमारे पास एन एम इज इक्वल टू एम एन के इक्वल आ जाएगा। बस अब हमारा मेन मोटिव यह है कि यही एलिमेंट m में भी जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट n बिलोंग्स टू n, कि n कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है, और n किसका सबसेट है, g का, तो n कहाँ से आ रहा है, g से भी आ रहा है। अब हमें पता है एज m इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, m क्या है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप है, n मेरे पास, m मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, देयर फोर एन इनवर्स m इनवर्स n किस में जाना चाहिए, m में, क्योंकि x की जगह अब हमने क्या ले लिया, n ले लिया यहाँ पे, जैसे m x की जगह m लिया था यहाँ पे, अब x की जगह हमने क्या ले लिया, n ले लिया। तो n इनवर्स m इनवर्स n किस में चला गया, m में। अब n इनवर्स m इनवर्स n इंटू m किस में जाएगा, m इंटू m में, और m इंटू m किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, n इनवर्स m इनवर्स n m किस में चला गया, m में। ये एलिमेंट n में भी और ये एलिमेंट किस में है, m में भी है, बट n इंटरसेक्शन m में सिर्फ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो n इनवर्स m इनवर्स n m किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एन एम इज इक्वल टू एम एन के इक्वल आ गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमने एन की मल्टीप्लाई की, एन इंटू एन इनवर्स एम इनवर्स एन एम इज इक्वल टू एन इंटू आइडेंटिटी किया हमने, तो हमारे पास क्या होगा, ये आइडेंटिटी बन गया, क्या बचा, एम इनवर्स एन एम इज इक्वल टू एन डॉट आइडेंटिटी इज इक्वल टू एन आया। अब हमने m की अप्लाई की, तो m इंटू एम इनवर्स एन एम इज इक्वल टू एम एन आया हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो n m इज इक्वल टू एम एन आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारा मेन मोटिव था ये इक्वल प्रूफ करना, ये हमने कर दिया। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम क्या है, थ्योरम फिफ्थ क्या कहती है हमें, लेट h बी आ सब ग्रुप ऑफ g, h बी आ सब ग्रुप ऑफ g एंड n बी आ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। एक तो सिंपल सब ग्रुप दे रखा है, एक नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो ये कह रहा है देन h इंटरसेक्शन n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ h, कि एक तो सिंपल सब ग्रुप है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा, पर किसका होगा, एच का होगा, जो सिंपल सब ग्रुप दे रखा है उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हमें अब ये प्रूव करना है, तो हम करते हैं सॉल्यूशन। सिंस एच एंड एन
बी आर सब ग्रुप ऑफ जी, कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है और एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो हुए दोनों के दोनों। अब हमें पता चल गया दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, सब ग्रुप, तो एन इंटरसेक्शन एच इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले सब ग्रुप होना जरूरी होता है, तो एच इंटरसेक्शन एन सब ग्रुप तो हो गया जी का। अब हमें प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन एन है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एच इंटरसेक्शन एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, मुझे ये प्रूव करना है। इट मींस मुझे ये प्रूव करना है कि कोई टी एलिमेंट आ रहा है एच इंटरसेक्शन एन, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, और मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक्स टी एक्स इनवर्स एच इंटरसेक्शन एन में होगा, मुझे ये प्रूव करना है। तो वही टिपिकल डेफिनेशन प्रूव करनी है नॉर्मल सब ग्रुप की, तो अब हम लेके चलते हैं यहां से। अब हमें और क्या चीज पता है, ऑल्सो एच इंटरसेक्शन एन सबसेट किसका होगा, एच का, क्योंकि ये हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है वो एच का भी सबसेट है और एन का भी सबसेट है, तो हमने, हमें यहाँ एच की जरूरत है, तो हमने एच इंटरसेक्शन एन सबसेट लिया है एच का। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच एंड टी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन। अब अगर ये एच इंटरसेक्शन एन में है तो टी एच में भी एंड टी किस में है, एन में भी है। मुझे एच क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, तो x अगर h में है तो x इनवर्स भी किस में होगा, h में होगा, एंड t किस में है, h में। तो इन तीनों को जो हम अगर इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो किस में जाएगा, h में। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो x t x इनवर्स है वो किस में जाएगा, हमारे पास h में जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और n मुझे क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहां पे देखो t कहां से बिलोंग कर रहा है, n से। एन किसका नॉर्मल सब ग्रुप था, जी का नॉर्मल सब ग्रुप था। एंड एक्स कहां से आ रहा है, एच से, और एच किसका सबसेट था, जी का। और एन किसका नॉर्मल सब ग्रुप था, जी का, तो ये एक्स ऑटोमेटिकली किसका हो गया, जी का हो गया। तो एक्स टी एक्स इनवर्स किस में होना चाहिए, एन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो अगर जी के एलिमेंट के लिए ले रहा है तो जो अगर एच के आएंगे तो एच के तो ऑटोमेटिकली सबसेट किसके होंगे, जी के होंगे, तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये एलिमेंट एन में भी हुआ और ये एलिमेंट एच में भी हुआ, तो एक्स टी एक्स इनवर्स किस में चला गया, एच इंटरसेक्शन एन में चला गया। तो एच इंटरसेक्शन एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। तो ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, एच का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे हमारे नॉर्मल सब ग्रुप की जितनी भी थ्योरम थी सारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अभी तक तो हमने जो ग्रुप किए हैं लगभग सारे कैसे किए हैं, अबिलियन ग्रुप किए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो क्यू एट है, क्यू एट कैसा था, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, एट एलिमेंट्स थे, नॉन अबिलियन ग्रुप था। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इसके सब ग्रुप निकालने हैं और सब ग्रुप देखने हैं कि कितने नॉर्मल है कितने नॉर्मल नहीं है। और वैसे भी क्यू एट का एक टिपिकल नाम होता है नॉर्मल सब ग्रुप की वजह से, तो वो इसका नाम क्या है वो भी आपको जानना है। तो अभी के लिए थैंक यू। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.